शनिवार को 4 लाख के पार केस पहुंचने के बाद अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। लगातार 2 दिनों से 4 लाख से कम केस आ रहे हैं। रविवार के मुकाबले आज कोरोना मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिली है। रविवार को भारत में 3,92,488 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे, जबकि 3,689 मरीजों की मौत हो गई थी। वहीं 3,07,865 लोगों ने कोरोना को हराया है। वहीं आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में 3,68,000 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 3,417 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 3,732 लोगों ने कोरोना को हराया है। वहीं बात करें तो कोरोना के नए स्ट्रेन की ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले सोमवार को 500 नए मामले, मंगलवार को 300 नए मामले, बुधवार को 520 नए मामले, गुरुवार को 627 नए मामले, शुक्रवार को 513, शनिवार को 411, रविवार को 621 नए मामले और आज सोमवार को 590 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 15,727 से 16,317 हो गई है। जहां पहले 5 या 10 नए स्ट्रेन के मामले सामने आ रहे थे, अब वो 400 से 500 से कम नहीं आ रहे हैं, जो डराने वाली बात है। कोरोना और कोरोना महामारी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।